फीस बढ़ोतरी को लेकर जेएनयू छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जेएनयू एसयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, जेएनयू प्रशासन से किसी ने भी छात्रों से नहीं की बात। दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में जेएनयू को लेकर हंगामा। लोकसभा में गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा में दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बहस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। कहा, ओवैसी जैसे नेताओं पर भरोसा ना करे अल्पसंख्यक। एनआरसी पर बोली, बंगाल के नागरिक हमेशा यहां के ही रहेंगे। जस्टिस आर भानुमति को सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम में जगह मिली। 13 साल बाद कोई महिला जज कलीजियम की सदस्य बनी। मोबाइल ग्राहकों को बड़ा झटका। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने 1 दिसंबर से टैरिफ प्लान महंगा करने का ऐलान किया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर डेविड एटनबरो 2019 इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से होंगे सम्मानित। और डेविस कप में भारत के पाकिस्तान में खेलने पर एतराज के बाद इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने मैच कजाकिस्तान की राजधानी नूरसुल्तान में शिफ्ट किया।